तहसील बीकेटी क्षेत्र में सफाई कर्मियों की बल्ले बल्ले मौज करते हैं ऑफिसों में ग्रामीण परेशान। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी तहसील बख्शी का तालाब थाना इटौंजा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत मुसपिपरी गांव में लोग गंदगी में जीने को मजबूर हैं। आपको बता दें मुसपिपरी गांव में लगा गंदगी का अंबार। एक तरफ योगी सरकार स्वच्छ भारत मिशन अभियान चला रही है, वहीं दूसरी तरफ गंदगी ही गंदगी देखने को मिली। ग्राम पंचायत मुसपिपरी में जहां पर ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत मुसपिपरी में नहीं आते हैं कोई सफाई कर्मी, वहां की महिलाएं अपने हाथों से फावड़ा लेकर नालियां सफा करती हैं। आप वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं, एक महिला अपने घर के सामने की नाली अपने हाथ से फावड़ा लेकर सफा कर रही है। सफाई कर्मी की नियुक्ति तो गांव में है मगर सफाई कर्मी ऑफिस में मौज कर रहे हैं। ग्रामीणों में काफी मायूसी देखने को मिल रही है सफाई कर्मी के ना आने से। इस मामले में जब खंड विकास अधिकारी बीकेटी पूजा सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जाँच कर आगे की कार्यवाही की जाएगी। ग्राम पंचायत मुसपिपरी से सफाई कर्मी ना आने से ग्रामीणों में काफी मायूसी छा गई है। ग्रामीण अपने हाथों से ही गांव की नाली व कचरा अपने हाथ से साफ करते हैं। वहां के ग्रामीणों ने मीडिया के माध्यम से अधिकारियों तक पहुंचाई अपनी आवाज, कहा कि जल्द से जल्द हमारे गांव में भेजा जाए सफाई कर्मी जिससे कि हम लोगों को समस्या का सामना ना करना पड़े। ग्राम पंचायत मुसपिपरी ने नदारद दिखे सफाई कर्मी। नमस्कार, इस समय मौजूद है लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी तहसील बख्शी का तालाब थाना इटौंजा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत मुसपिपरी में, जहां पर हमारे साथ में यहां के कुछ ग्रामीण मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। आप देख सकते हैं साफ साफ तस्वीरों किस तरीके से यहां पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है और यहाँ के ग्रामीणों का आरोप है कि यहाँ पर जो है कोई सफाई कर्मी नहीं आता है, साल डेढ़ साल दो साल से कोई सफाई कर्मी नहीं आता है। हमारे साथ में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं यहाँ के ग्रामीण, आइए हम बातचीत करते हैं। जी, क्या नाम लिखते हैं आप? मंजेश कुमार जी, ये बताइए, मैं देख रहा हूँ जैसे कि यहाँ पर काफ़ी समस्या है, काफ़ी गंदगी लगी हुई है और एक तरफ स्वच्छ भारत मिशन अभियान चलाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ ग्राम पंचायत मुख्यालय में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। क्या यहाँ पर कोई सफाई कर्मी नहीं आता है? तो फिर यहाँ की जैसे गंदगी है, नाली में कचरा भरा हुआ है, सड़क पे गंदगी पड़ी हुई है, तो यहाँ की सफाई कैसे होती है? सफाई जिसके पास जिसके घर के सामने नाली है वो अपनी नाली साफ करता है। जो लोग जिनके घर के सामने नाली में कचरा भरा हो वो लोग अपने हाथों से सफाई करते हैं। मैं अभी देख रहा था जैसे कि एक महिला फावड़ा लिए सफाई कर रही थी, इससे क्या कहना आपका? अपनी नाली सब साफ करते हैं, सफाई करने आता ही नहीं। तो आप क्या सरकार से कहना चाहेंगे? सरकार से क्या, सफाई करने तो वहाँ स्कूल तक आते हैं और वापस चले जाते हैं घंटे दो घंटे के लिए। और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जैसे कि बात करने के लिए, आइए भाई साहब। क्या नाम लिखते हैं आप? कमलेश जी, ये बताइए कि ग्राम पंचायत मुख्यमंत्री है, क्या यहाँ पर कोई सफाई करने आता है? सफाई करने आता भी है, प्रधान के घर तक आता है, वहीं से लोग। अच्छा, वहीं से लोग जाता है गाँव के अंदर? कभी सफाई नहीं करती है, जिसके घर के सामने वो लेकिन हर गांव में तो एक सफाई कर्मी नहीं है। क्या यहाँ पर नहीं है? यहाँ पर आता ही नहीं। चलिए, जैसे कि हमारे साथ में यहाँ के ग्रामीण मौजूद थे, उन्होंने अपनी बात रखी, पूरी बताई कि यहाँ पर क्या क्या समस्या है, सफाई कर्मी नहीं आता है, यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो अपने हाथों से नालियाँ सफा करते हैं। KPPN न्यूज़ चैनल से ब्रजेंद्र कुमार।